गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम स्कूल के माध्यम से होंगे, पता है ना आपको? पता है ना आपको? माइट इट पॉसिबल कि ऑनलाइन एग्जाम ना हो, ऑफलाइन एग्जाम ही हो। क्लियर? इसके टाइम टेबल आपको ग्रुप में दे दिया गया है ना। तो आप एग्जाम 21 मार्च से लेके 26 मार्च तक चलेंगे। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। 21 मार्च से लेके 26 मार्च तक आप एग्जाम होंगे, और एग्जाम में हम पास कैसे होंगे? जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ाई कैसे करेंगे? जब डेली हम वीडियो लेक्चर ज्वाइन करेंगे, जो भी स्कूल की तरफ से वीडियो लेक्चर हमको मिल रहा है उसको हम डेली वाइज पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, तो हम क्या करेंगे? रोज सुबह 9 से लेके, ठीक है, और 1 बजे तक अपने मोबाइल के पास हम बैठे रहेंगे। ठीक है? जैसे आप लोग क्लासेस चलती है ना, पहली पीरियड क्या है, दूसरी पीरियड क्या है, तीसरी पीरियड क्या है, चौथी पीरियड क्या है, पांचवी पीरियड क्या है, उसी हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे होंगे ना। हाँ, तो कोई भी वीडियो लेक्चर हमें मिस नहीं करना है। क्लियर? क्लियर? ओके, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर सब्जेक्ट, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को हमारा क्या है? कंप्यूटर है। क्लियर? तो हमने आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड के बारे में बता दिया था ना, जो एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर? हाँ, कीबोर्ड के बारे में बता दिया था, उसके कीज के बारे में बता दिया था। ठीक है? अब एक और इनपुट डिवाइस आता है, इसको हम बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं? माउस। यहाँ अपने स्क्रीन पे देखिए, माउस से पिक्चर आ गया है ना। अच्छा, इसी को माउस बोलते हैं ना? पक्का? तो माउस में कितने बटन होते हैं? दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। क्लियर? और एक बीच में व्हील होता है, आप लोग देखे हो ना, एक राइट बटन होता है और एक लेफ्ट बटन होता है। ठीक है? और बीच में क्या होता है? व्हील होता है ना। ओके, तो माउस को पढ़ने से पहले हम माउस का डिफिनेशन पढ़ते हैं कि माउस कहते हैं किसको है। क्लियर? हम माउस किसको कहेंगे? क्लियर? तो आते हैं इसके डिफिनेशन पे, इसका डिफिनेशन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसका हम डिफिनेशन धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। ए माउस इज ए हैंड मूवेबल इनपुट डिवाइस। एक माउस हैंड से मूव करने वाला इनपुट डिवाइस है, दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर। अब यहाँ एक तो समझेंगे, कर्सर किसको बोलते हैं? ठीक है? जब भी आपको हम कंप्यूटर लैब ले चलते हैं, तो देखते हो ना, जब भी आप पेंटिंग करते हो या कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो, एक लाइन ब्लिंक करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है ना। हमने आपको क्लास में बताया था और आपको कंप्यूटर लैब में बताया था, बताया था ना ना। और उसके पहले एक एरो बना होता है, इसको हम घुमाते हैं किसकी सहायता से? माउस की सहायता से। उसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है? पॉइंटर बोलते हैं ना, आपको बताया था क्लास में ना, उसको माउस हम पॉइंटर बोलते हैं। जो एरो हमारा बना होता है, हमको जहाँ मन करे वहाँ ले जाते हैं, किससे? अपने हाथ की सहायता से, माउस को पकड़ के। तो कह रहा है दैट कंट्रोल,
जिसको हम कंट्रोल करते हैं द पोजिशन ऑफ द कर्सर ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, कि हमको कर्सर को स्क्रीन पे कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं ले जाना है। क्लियर क्लियर? जो भी माउसर माउस पॉइंटर होते हैं देखे ना, एरो की तरह होते हैं, जब भी हम माउस को टच करते हैं तो हमारा पॉइंटर क्या होने लगता है, मूव करने लगता है, समझ लगता है ना। ओके, सेकेंड नंबर, कॉमनली यूज विथ डेस्कटॉप कंप्यूटर और मॉनिटर, माउस का सॉरी, माउस का हम यूज अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए हम यूज करते हैं ना। तो कंप्यूटर में आप जाते हो तो देखते हो ना सारे के क्या हैं, डेस्कटॉप है, देखते हो ना, देखे हो ना। ओके, तो एक बार फिर से डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। ए माउस इज ए हैंड मूवेबल इनपुट डिवाइस। एक माउस हैंड मूवेबल, हैंड से गति करने वाला इनपुट डिवाइस है, दैट कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द कर्सर आर पॉइंटर ऑन ए स्क्रीन। क्लियर? जो माउस पॉइंटर होता है, हम उसको माउस की सहायता से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? कॉमनली यूज विथ डेस्कटॉप कंप्यूटर, या किसके साथ हमेशा यूज होता है, कॉमनली डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ। ठीक है, क्लियर? अब माउस में टू बटन विथ व्हील, अपने ने बताया ना कि दो बटन होते हैं और एक व्हील होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ओके, अब आते हैं कि माउस कितने प्रकार के आते हैं, टाइप्स ऑफ माउस। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ माउस में, ठीक है, माउस तो आपको बहुत पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल दो माउस के बारे में जानना है। कितने माउस के बारे में जानना है, दो माउस के बारे में, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे माउस हमने कंप्यूटर लैब में देखे हैं ना, कंप्यूटर लैब में देखा है आपने, जिसमें वायर लगा होता है। देखो यहाँ वायर लगा है ना, और ये वायर कहाँ प्लग होता है, सीपीयू के जैक में। कहाँ प्लग होता है, सीपीयू के जैक में हम इसको प्लग कर देते हैं। क्लियर? ओके, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। क्लियर? और एक माउस और होता है, यहाँ देखिए, इसको क्या बोलते हैं, वायरलेस माउस। इसमें देखिए कोई वायर नहीं लगा है, कोई वायर लगा है नहीं लगा है। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, वायरलेस माउस, और इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक से देखेंगे, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस और इसको बोलते हैं वायरलेस माउस। दिखाई दे रहा ना, इसमें देखिए कोई वायर नहीं लगा है, कोई वायर लगा है, कोई वायर नहीं लगा है, तो इसमें देखिए वायर लगे हुए हैं। और हमारे कंप्यूटर लैब में जो भी माउस हैं, कौन से माउस हैं, हाँ सब सारे माउस में क्या है, वायर है ना वायर। कोई माउस आपके कंप्यूटर लैब में ऐसा है नहीं, है कोई माउस ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सारे माउस कैसे हैं, ऐसे हैं, सारे माउस ऐसे हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। क्लियर? तो समझ में आ गया माउस किसे कहते हैं। ठीक है, माउस के प्रकार कई होते हैं, लेकिन अभी आपको दो जानना है, कौन कौन से, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। क्लियर? हमने दोनों का पिक्चर आपको दिखा दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
जो भी कंप्यूटर लैब में आपके माउस हैं वो कौन से माउस हैं? ऑप्टिकल माउस है, क्लियर। और वायरलेस माउस, जिस माउस में वायर नहीं होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम वायरलेस माउस बोलते हैं, क्लियर। ओके, तो यह भी जो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आज हमने पढ़ा है इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है माउस के बारे में, ठीक है। और एक ऑलरेडी हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया है जो कीबोर्ड है, क्लियर। तो हमारे दो वीडियो लेक्चर में दो इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गए, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, क्लियर। और आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको ऑप्टिकल माउस का पिक्चर और वायरलेस माउस का पिक्चर बना के अपलोड करना है, क्लियर। ओके, गुड बाय।